So welcome to our channel Messi, Jewel and My Life. So आज हम एक और यूनिक सा कंटेंट लेके आपके साथ आए हैं जो कि है चेस ट्रिक का. ये चेस ट्रिक आपको अपने वाइट पीसेस से खेलनी है और अपोनेंट आपका ब्लैक पीसेस से खेलेगा. ये चेस ट्रिक बहुत ही अच्छी है और ये चेस ट्रिक को मूवी रुस्तम में भी यूज किया गया है. तो फिर आइए देखते हैं कैसे खेलेंगे. आपको ये सफेद मोहरों से खेलनी है और आपको सबसे पहले चलना है पॉन टू d4. उसके रिस्पांस में ब्लैक अपना पॉन टू e4 चलेगा. फिर आपको अपने नाइट से उसके सामने वाले पॉन को अटैक करना है. फिर ऑब्वियसली बात है अपने पॉन को वो अपने नाइट से डिफेंड करेगा. फिर आपको अपने दूसरे नाइट को निकाल के यहाँ पे रख लेना है. फिर आपका अपोनेंट सामने वाला आप अपना बिशप निकालने का ट्राई करेगा तो वो अपने पॉन को आगे चलेगा. फिर आपको अपने बिशप को चलना है d6 पे. फिर उसके रिस्पांस में आपका अपोनेंट चलेगा d2. फिर आपको अपने पॉन से उसके बिशप पे अटैक करना है. इसी के साथ ब्लैक हमारे ट्रैप में फंस चुका है क्योंकि अगले मूव में वो अपने बिशप को बचाएगा अपने पॉन से कटने से. तो फिर अपन को अपनी क्वीन को सेक्रीफाइस करना है अपने नाइट से इसको मार के पॉन को मार के. फिर उसके बाद 90% ऑफ लोग लालची हो जाएंगे और अपनी रानी मर रही है ये देख के अपनी रानी को वो मार देंगे. फिर अपन को अपने बिशप से उसको चेक देना है और फिर अपने चेक को ब्लॉक पे वो चेक को हटाएगा सामने चल के. अगर वो यहाँ चलेगा तो अपन उसका चेकमेट कर देंगे तो ऑब्वियसली सामने चलेगा. और फिर अपन को अपने नाइट से एक और बार चेक देना उसी के साथ इसका चेकमेट हो गया है ब्लैक का. क्योंकि अगर वो सामने चलेगा तो अपना बिशप उसे मार देगा. अगर वो यहाँ पे चलेगा तो अपने नाइट से ही उसे चेक लग रहा है और यहाँ चलेगा तो दूसरे नाइट से चेक लग रहा है. तो आपको कैसे लगी ये चेस ट्रिक बताइएगा कमेंट्स में. आपको ऐसी और चेस ट्रिक्स चाहिए तो फिर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मैसी जूल एंड माय लाइफ को.